नमस्कार, मैं आदित्य कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड बाढ़ में लापता हुए मजदूरों के परिवारों की सहायता करेंगी सिंगर नेहा कक्कर, 3 लाख रुपया देने का किया वादा। कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए थे गोल्फर टाइगर वुड्स, डॉक्टर ने कहा शायद अब खेल नहीं सकेंगे। नंबर 1 एक्टिव स्पिनर बने अश्विन, हरभजन और कपिल देव के तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,000 से अधिक नए मामले, 64,000 के पार पहुंचा एक्टिव केस की संख्या। दिल्ली में किसानों के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा हैशटैग मोदी रोजगार दो। ईमेल केस में ऋतिक रोशन को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा मुजफ्फरपुर के औद्योगिक चमक को लाएंगे वापस। बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग, असम में 3 राउंड, 2 मई को आएंगे नतीजे। सर्जिकल एयर स्ट्राइक के पूरे हुए 2 वर्ष। तो ये थी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।